मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स क्लास 10th का लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन एक है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सतत विकास क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? आधारित संरचना पर प्रकाश डाले। ये सभी प्रश्नों का आप उत्तर अच्छे ढंग से देखिए। अति लघु आपका उत्तर ये प्रश्न है जी कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय एक देश या क्षेत्र विशेष की उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित उसके सभी आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन होता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर एक का आंसर है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रित रूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप चाहे तो दोनों डिफिनेशन में से कोई भी आप लिख सकते हैं। आइए आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? सतत विकास एक ऐसा विकास है जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके तथा वर्तमान पीढ़ी को ध्यान देते हुए भावी माने भविष्य वाला वर्तमान पीढ़ी को ध्यान देते हुए भविष्य के पीढ़ियों के विकास पर ध्यान में रखा जाता है उसे सतत विकास कहा जाता है। उसे किस विकास कहते हैं जी? सतत विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चार देखिए, क्वेश्चन आपका चार है जी कि आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ये क्वेश्चन चार का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पांच देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एकदम, ज्योग्राफी अधीन इकोनॉमिक्स का। मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है? मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा पेश किया गया जिसमें विभिन्न देश की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया गया, उसे मानव विकास रिपोर्ट कहा गया। आइए क्वेश्चन नंबर छह को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छह, आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधा एवं सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायता हो, और वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार पर है। जिस देश को आर्थिक संरचना कहते हैं, उस देश को क्या कहते हैं जी? आर्थिक संरचना। ये इसका कंसेप्ट कंप्लीट है। ये पूरे लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया है।